ऋतिक, अब तो ये बड़ी खबर आ गई, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 जजेस अब इस मामले की सुनवाई करेंगे, इससे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कदम जो हम समझ रहे हैं और आपके पीछे क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए आंदोलन पहले हो रहा है और जस्टिस की मांग उठ रही थी इस जी सही जी ये आपके पीछे क्या प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही जी, जो कोलकाता को जानते हैं आप भी, मैं जानता हूं कि आप कोलकाता के बारे में बखूबी जानकारी रखते हैं। देखिए कोलकाता में इतिहास पे कभी नहीं हुआ, ईस्ट बंगाल मोहनबगान क्लब जब डर्बी मैच होता है, फुटबॉल मैच, कभी यूनाइटेड नहीं देखा गया, लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि दोनों क्लब के जो समर्थक है एकजुट, एक साथ, एक सुर में वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथ पे जैसे उनके क्लब के जो फ्लैग है वो भी है, इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग भी है। जस्टिस की मांग की जा रही है और इस बीच यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती हो चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्सेस मंगवाया गया है। पुलिस का कहना है कि इस यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बुलाया गया उसके आड़ में फिर से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाएगी और इसके कारण यहाँ पर कुछ ही चंद समय पहले यहाँ पर दो जो धारा 163 जो BNSS के वो लगा दिया गया है, किसी भी तरीके से यहाँ पर जमायत पर जो है आज देर रात तक यहाँ पर और मैं आपको पहले बता दूं आज ईस्ट बंगाल मोहनबगान का एक अहम मैच था, डर्बी मैच जो कहलाता है और इसके जो पहले तैयारी थी कि उस स्टेडियम के अंदर वहां पर विरोध हो सकता था तो इसीलिए पहले उस मैच को कैंसिल किया गया, उसके बाद किसी भी तरीके से जो है जमायत पर जमोड़े पर जो है पाबंदी लगाई गई। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टॉप कॉप्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बसेस जो है वो बुलाए गए हैं, अंदाजा हम लगा सकते हैं थोड़ी देर में कार्रवाई होगी। रैपिड एक्शन फोर्सेस पहुंच गया है, हजारों के तादाद पर जो है अब सड़कों पर उतर रहा है, अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, शायद गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर जो वी वांट जस्टिस की मांग उठ रही है, अभी जो क्लब की तरफ से यहाँ पर स्लोगनिंग चल रहा है, कई सारे जो है हम देख सकते हैं। देखिए इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ईस्ट बंगाल मोहन बगान एक साथ एकजुट होकर एक डर्बी मैच के लिए इतिहास चीज हम लोग बीच अच्छा है, हम लोग वी आर डिवाइडेड बाई टीम बट United from country. If any something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a political game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. Okay. का कहना है कि उनके पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि इसके आर में यहाँ पर रकस करने की, यानी यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर वायलेशन वायलेंस करने की यहाँ पर आपकी मंशा थी, ये उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है। आप हमारा नेशनल फ्लैग देखिए, हमारा क्लब का देखिए, हम लोग कोई वायलेंस करने वाले नहीं है, वी आर सपोर्टर, वी आर फुटबॉल लवर, इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री या वर्ल्ड फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। वी वांट जस्टिस, एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस, विजय चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है, देखिए जो फुटबॉल टीम के जो सपोर्टर्स है जो अक्सर आपस में बटे हुए रहते हैं, आज एकजुट हुए हैं, ये कोलकाता के सेंटिमेंट के लिए बहुत ही अहम और खास है जो दिखाई दे रहा है। अब इस मैदान से भी आवाज उठ रहा है कि एक जस्टिस की मांग, मैं सीधा जो है प्रसारण हम दिखा रहा हूँ कि आप रैपिड एक्शन फोर्सेस को बुलाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस उन्हें कह रहा है कि यहाँ से हट जाइए, ये जहाँ पर मेरी मौजूद है वो युव भारती स्टेडियम से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो रास्ते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है, मैं देख सकता हूँ कि आनन फानन में जो है एडिशनल कॉप्स को या फिर पुलिस फोर्सेस को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर जितने सारे प्लैकर्स है उसमें इसी यही मांग पुरजोर होते नजर आ रहे हैं। देखिए यूनाइटेड शाम, जरा आइए दिखाइए कि किस तरीके से दोनों क्लब के जो समर्थक है एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिला
मिलाकर इस आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो मंजर हमने देखा था, एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये आंदोलन और प्रोटेस्ट ये जो है यहाँ पर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से कहना है कि उसके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि इसके जरिए एक बार फिर से जो है तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही हो सकती थी, इसी के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है जमायत पर जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट मार्च, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और कार्रवाई जो है हम देख सकते हैं, सीधा प्रसारण हम कर रहे हैं। आज तक दर्शक ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोलकाता में फुटबॉल के जो सपोर्टर्स है किस तरीके से सड़कों पर उतरा है। ऋतिक, आप ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो दो फुटबॉल क्लब्स जो मैदान पर जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी होते हैं, मैदान पर उतरते हैं, एक दूसरे के को हराने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन आज वो दोनों फुटबॉल क्लब्स के लोग एक साथ हैं। देश का झंडा उनके पास है, अब दोनों क्लब्स का झंडा उनके साथ है, और वो कह रहे हैं कि जब देश की बात आती है, जब हमारी बहन बेटियों की बात आती है, तो हम सब एक हैं। और ये एक बहुत अच्छा संदेश है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि हम भले ही हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। और ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दोनों क्लब दिखा रहे हैं। जी ऋतिक, बताइए। बिल्कुल, जब मतभेद जरूर हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। जब ये मुद्दा है महज एक 31 साल के डॉक्टर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, शहीद जी मैं दिखा रहा हूँ पुलिस की तरफ से, यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लाठीचार्ज किया गया है, भीड़ को चित्रित करने की कोशिश की जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस आनंद फानन में यहाँ पर गिरफ्तारी का काम शुरू कर दिया है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, रैपिड एक्शन फोर्सेज अचानक यहाँ पर लाठी डंडे लेकर बरसाना शुरू हो गया। मैं देख सकता हूँ दोनों क्लब के समर्थकों को धर दबोच कर गाड़ी में उठाया जा रहा है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, भनक पहले ही लग गया था, अब कई सारे समर्थक जो है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहन राव गगन और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स है उनको धर दबोचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 एबीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। अब यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल है, एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। सीधा जो तस्वीर मैं आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ, देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जितने भी लोग हैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है, लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान उसे जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो लाठी बरसाया गया, उसके बाद जो कुछ लोगों को धर दबोचा गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हजारों के सौ की तादाद पर लोग यहाँ पर जमे हो गए थे, सभी कोलकाता के ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के सपोर्टर्स है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बतौर पत्रकार मैंने ये नजारा कभी नहीं देखा कि एक डर्बी मैच के दौरान कोलकाता के ये दो क्लब जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं यूनाइटेडली। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट, फिर से गिरफ्तारी, प्लाकर्ड लुटी है, जस्टिस कर रहे हैं। डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। जब इस तरीके से एक घटना हुई है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है, तो कोलकाता की ये दो क्लब जो कोलकाता के रूहों में बसते हैं, बंगाल के इतिहास से जुड़े हुए हैं, मोहन बगान और वेस्ट बंगाल, और मैं आपको बताना चाहूंगा मोहन बगान का इतिहास कहा है देश की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ, यही वो क्लब है जो नंगे पैर उन्होंने मैदान में जंग छेड़ दिया था और एक तरीके से बिल्कुल उन्होंने फूंक दी थी, और वो आज एक बड़े कारण पर सड़कों पर उतरे हैं जस्टिस की मांग पर, लेकिन उस पर लाठी बरसाई जा रही है। पुलिस की तैनाती देखिए, हजारों की तादाद पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान है, और जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था उन पर लाठी डंडा बरसाए, उनके हाथ में प्लैकेट है। मैं जो सीधा देख सकता हूँ उनके सामने एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई, रैपिड एक्शन फोर्स उन पर लाठी डंडे लिए सवार हुए गए हैं। आवाज बुलंद की गई थी जस्टिस के मांग पर, और अब लाठी से खदेड़ा जा रहा है, तनाव की स्थिति है, धारा 163 यहाँ पर डाला दिया गया है। लेकिन जो इतिहास मोहन बगान और बंगाल का था, और जो इस कोलकाता शहर के रूप में बसता है, जो मांग कर रहा है जस्टिस, और खासकर यहाँ पर मैं
देख सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये उभार की जो स्टेडियम है ऋतिक 200 मीटर के दूरी तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ऋतिक, देख सकते हैं रैपिड एक्शन के वो फोर्स, पुलिस की वो वाहिनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तनाव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ऋतिक हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऋतिक आप मोहन बाघन ईस्ट बंगाल, ये दो बेहद मशहूर क्लब और इन दोनों के जो समर्थक हैं वो एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।